बिहार के दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। आज कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन है और उनकी जन्मशती है। कर्पूरी ठाकुर उन नेताओं में रहे जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो शामिल रहे। बिहार में समाजवादी पिछड़ा नेतृत्व के उभार में उनकी अहम भूमिका रही। 70 के दशक में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने। 1977 में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बाद बिहार में भी सत्ता बदली और वो जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और भाषिक बराबरी से जुड़ी लड़ाइयों के कई मोर्चे खोले। वो उन नेताओं में रहे जिनकी प्रशासनिक क्षमता का लोहा सब मानते थे। कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी पर भी कभी सवाल नहीं उठे। लोहिया और जयप्रकाश की वैचारिक विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया था। बेशक आज उनको भारत रत्न देकर बीजेपी ने एक नया दांव चला है, जिसमें बिहार के पिछड़ा वोटों में सेंधमारी की कोशिश भी शामिल है। इसको लेकर कई सवाल, तरह के कयास भी चलने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि ये एक बड़ा फैसला है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया, वो भी उस वक्त जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। ये प्रतिष्ठित सम्मान उनके द्वारा किए गए उस प्रयास का प्रमाण है जो उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों की समानता और सशक्तिकरण के लिए किया। दलितों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर कभी न मिटने वाली एक छाप छोड़ी है। ये पुरस्कार उनके उल्लेखनीय योगदान को तो दर्शाता है ही, साथ ही हमें न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए उनकी कोशिश को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, काफी वक्त से इस बात की मांग की जा रही थी, लेकिन अंत में ये फैसला लिया गया और सब तरीके से, सब तरफ से इसकी तारीफ ही हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सराहनीय कदम इसको माना जा रहा है। निश्चित तौर पर, और बिहार में लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, आज उनकी सवी जयंती, और इस मौके पर जो मांग लंबे समय से की जा रही थी उसको फुलफिल किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और इसीलिए इस कदम का स्वागत भी किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी आई, इसमें उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है। और निश्चित तौर पर जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी एक तरह से बीजेपी ने बड़े पैमाने पर अपने समीकरणों को साध लिया है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर वो जननायक नेता थे, लोकनायक नेता थे, जिनके बारे में ये कहा जाता रहा था कि उन्होंने अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए अपना संघर्ष किया, और जो वंचित थे, दलित थे, शोषित थे, उनकी आवाज को उन्होंने मुखर किया, उनकी आवाज को बुलंद किया। उनकी सादगी को लेकर भी पीएम मोदी ने अपना जो लेख लिखा है उसमें जिक्र किया है, दो घटनाओं का जिक्र किया है कि किस तरह से वो सादगी थी उनमें, उनके जीवन में उनकी ईमानदारी की चर्चा उन्होंने की है, और साथ ही ये कहा है कि जिस वक्त धारा कांग्रेस की बह रही थी पूरे देश में, जब कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, उस वक्त कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत दिखाई थी कि वो इस धारा से अलग होकर खड़े हुए और उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। जब कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया तो कर्पूरी ठाकुर ने इस आपातकाल का भी विरोध किया, और पीएम मोदी ने अपना जो लेख लिखा है उसमें इस बात का भी जिक्र किया है कि बहुत कम उम्र में, सिर्फ 64 वर्ष की उम्र में कर्पूरी ठाकुर चले गए, अगर वे ज्यादा समय रहते तो उनसे मार्गदर्शन लेने का मौका देश को और देश की युवा पीढ़ी को मिलता। तो आज जब बिहार में जाति समीकरणों की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, तो ऐसे में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद को सामाजिक न्याय के एक पुरोधा के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ी लाइन सामने खींच दी है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर, कि जो काम आज नीतीश कुमार करने की बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो काम कर्पूरी ठाकुर काफी पहले कर चुके थे, वो था ओबीसी को आरक्षण देना, जो काम बाद में जाकर के वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर लागू करके किया, या अब जिस तरह से नीतीश कुमार उसका दावा कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी पूरे देश में जाकर के कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी, लेकिन ये काम कर्पूरी ठाकुर बहुत पहले कर चुके थे, और बीजेपी उनके काम की सराहना करते हुए, उनके योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें वो सम्मान दे रही है जिसके कि वो हकदार थे, और जो काम काफी पहले हो जाना चाहिए था कई सरकारों में, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, वो भी शामिल रहे हैं, लेकिन वो ये कदम नहीं उठा पाए, लेकिन पीएम मोदी ने ये कदम उठाया है, ये बात बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसको ये जो समीकरण जिस तरह के बने आने लोकसभा चुनाव में उसको ध्यान में रखते हुए
निश्चित तौर पर ये कदम उठाया गया है और बीजेपी बिहार में खास तौर से इसको लेकर ज्यादा कहेगी भी, बात भी कहेगी किस तरह से बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को वो जगह दी जिसके वो हकदार थे। और आज भी जब उनकी जयंती है, 100वीं जयंती है, तो दिल्ली में यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी तरह बिहार में भी जो बिहार बीजेपी है वो कई कार्यक्रमों का आयोजन आज कर रही है और जेडीयू की ओर से भी आज आयोजन किया गया है। तो ये जो कर्पूरी ठाकुर की विरासत है, एक तरह से बीजेपी ने उस पर अपनी अपना जो दावा है वो ठोक दिया है भारत रत्न दे करके उन्हें। जी अखिलेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर पीएम ने भी एक लेख लिखा है। आपको बताते हैं इस केस की कुछ अहम बातें। इस लेख की कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में सुनकर ही आप प्रभावित हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ अहम बातें लिखी, मेरे लिए ऐसे ही रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने ये भी लिखा कि आज कर्पूरी बाबू की 100वीं जन्म जयंती है, मुझे कर्पूरी जी से कभी मिलने का अवसर तो नहीं मिला। कैलाशपति मिश्र जी से मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए उससे करोड़ों लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उनका संबंध नाई समाज यानी कि समाज के अति पिछड़े वर्ग से था। अनेक चुनौतियों को पार कर उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। उनका पूरा जीवन सादगी, सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। सरल जीवन शैली, विनम्र स्वभाव के चलते आम लोगों से गहराई से वो जुड़े रहे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के निर्णय के लिए मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक व बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने संपूर्ण जीवन वंचित वर्ग के कल्याण को समर्पित कर दिया। ये सम्मान उनके आजीवन संघर्ष, पिछड़ों, गरीबों, दलितों, किसानों के अधिकारों के लिए समर्पण को सच्ची श्रद्धांजलि है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर इस निर्णय के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम में उनकी जन्म शताब्दी पर खास समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 10 बजे इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच सकते हैं। सीएम नीतीश पटना में दोपहर के वक्त आयोजित एक रैली में भी हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश रैली में कुछ अहम ऐलान कर सकते हैं, जिसमें जातिगत सर्वेक्षण के साथ साथ गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की सरकारी योजना की शुरुआत भी हो सकती है। इधर दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर्पूरी ठाकुर की याद में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता और उद्घाटन करेंगे। अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं मोहित बेगरामी वजीर आला जनाब नीतीश कुमार।